Hello my friends, how are you all? I hope you all will be fine. This is my first video of 2021. At first, I wish you a very very happiest new year from my side. And may your all wishes come true in this year. I am Varsha and you are warm welcome in my YouTube channel English World with Varsha. And in this video, I will teach you articles. So let's start. Start articles. Articles a and the are articles. तो आपने देखा कि articles क्या क्या होते हैं. A, an and the. Means a and the are articles. And next point, articles are known as determiners. जो आपके articles होते हैं वो determiners की श्रेणी में ही आते हैं. But determiners में कुछ और words बढ़ जाते हैं. मैं आपको डिटरमाइनर्स पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. ओके बेटा, मुझे कमेंट्स आया था कि मैम आर्टिकल्स पे वीडियो बनाइए. सो आज मैंने आर्टिकल्स पे वीडियो बनाया है. सम इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनर्स आर, कुछ डिटरमाइनर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मुख्य रूप से कुछ डिटरमाइनर्स भी होते हैं. मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स सेम होते हैं, बट डिटरमाइनर्स में क्वान्टिटी थोड़ी शब्दों की ज़्यादा होती है. जैसे आपका इसमें ऐड हो जाता है ए, एन, द, ऑल, फ्यू, लिटिल, much, small, any, etc. इस तरह के वर्ड्स आपके कुछ मुख्य डिटरमाइनर्स होते हैं. इट इज़ यूज्ड बिफोर ऑफ नाउन्स, मीन्स आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वह नाउन के पहले यूज किया जाता है. ठीक है, आर्टिकल्स ऑलवेज यूज्ड बिफोर ऑफ नाउन्स. नाउन के हमेशा पहले ही आर्टिकल्स का यूज हुआ रहता है या होता है. जैसे ए एंड द, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना वो नाउन्स के पहले यूज करते हैं. इट्स ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट वन इज दैट इनडेफिनिट आर्टिकल्स, सेकेंड वन इज दैट डेफिनिट आर्टिकल्स. आपका जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है ना, इसमें ए वर्ड्स का यूज करते हैं और एन का यूज करते हैं. ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल्स में हम द का यूज करते हैं. मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ ए का यूज होता है, कहाँ एन का यूज होता है और कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल्स द का यूज होता है. इट्स ओके बेटा, आगे हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ए और एन. तो आप देखोगे कि ए या एन का यूज कैसे और कहाँ होता है. ठीक है, द डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स द. ओके, द इनडेफिनिट आर्टिकल, द इनडेफिनिट आर्टिकल इज ए और एन. द इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज जनरल और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन. मीन्स ऐसा कोई नाउन जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान छुपी हुई होती है. ठीक है, जिसका पहचान छुपा हुआ होगा उसका पहचान कैसा होगा, इनडेफिनिट होगा. मीन्स अनिश्चित पहचान होगा. और जहाँ जिसकी पहचान अनिश्चित होगी, जिस नाउन की पहचान नॉट नोन होगी, जिसको आप नहीं जानते हो, वहाँ पर क्या यूज करोगे आप, ए या एन के यूज करोगे. इज दैट क्लियर? नाउ आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू द एग्जाम्पल. ओके, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी. इधर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में श्रितेश सैंग डैश सॉन्ग. अब यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज करना है, फील करना है आर्टिकल. मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ पर आइडेंटिटी इज नॉट नोन, जहाँ पहचान छिपी होती है, वहाँ हम अकॉर्डिंग टू वॉवल और अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट क्या यूज करते हैं, ए या एन. तो आप यहाँ देख रहे हो कि श्रितेश ने गाया, क्या गाया, गीत गाया. ठीक है, लेकिन उसने कौन सा गीत गाया ये आपको नहीं पता. सिर्फ आपको इतना पता है कि उसने गीत गाया. तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे अ सॉन्ग, बिकॉज देयर इज कॉन्सोनेंट. एस इज कॉन्सोनेंट ना, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज किया है. ठीक है, एन, एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन. ठीक है, एन का जो यूज होता है ना वो सिंगुलर नाउन के पहले होता है. मैंने आपको बताया कि जब आपका नाउन होता है, नाउन के पहले ही हमेशा किसका यूज करते हैं, आर्टिकल्स का यूज करते हैं. ठीक है, और बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड, या ऐसा कोई वर्ड जिसका वॉवल साउंड होना चाहिए. ठीक है, जैसे ये वर्ड है ना अम्ब्रेला, तो ये जो मीनिंग है इसमें आपका फर्स्ट साउंड जो है वो क्या है, वॉवल है. आप देख रहे हो ना, यहाँ पर यू है और नेक्स्ट वर्ड में ओ है और नेक्स्ट वर्ड में जो थर्ड वर्ड है इसमें एच है. अब आप सोचोगे कि यहाँ पर एच है तो हम यहाँ ए का यूज करेंगे, बट नहीं, आप यहाँ पर एन का यूज करोगे. आई विल डिस्क्राइब यू, जस्ट वेट नाउ. अब सबसे पहले देखो वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. मीन्स देयर आर फाइव वॉवल्स. हाउ मेनी वॉवल्स,
फाइव वॉवल्स, इंग्लिश में आपके जो स्वर होते हैं वॉवल्स वो फाइव होते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व इट. देर आर सम एग्जाम्पल्स. अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के आगे मैंने आपको बताया वॉवल साउंड है ना यू, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन. ओके, सेकेंड वन इज दैट ओ. ओ इज ऑल्सो वॉवल साउंड, सो वी विल यूज यर एन. बट देयर इज एच ओ यू आर, वी विल प्रोनाउंस इट आवर, नॉट हावर. ओके, वी विल प्रोनाउंस इट आवर. इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आवर से होता है, ठीक है. इसमें एच जो होता है ये साइलेंट होता है, ठीक है बेटा. इसलिए यहाँ पर हमारा प्रोनाउंसिएशन अ से हो रहा है, और अ की स्पेलिंग क्या होती है, ए, एंड ए इज वॉवल, सो वी विल यूज हियर एन. इज दैट क्लियर? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड इट. मैं आपको यहाँ और एक्सप्लेन करती हूँ ए के यूज के लिए. ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, और एन का भी यूज करते हैं ना. बट ए का यूज हम किस नाउन के पहले करेंगे, बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है वर्ड, तब हम किसका यूज करेंगे, ए का. जैसे यहाँ पर है आई हैव पर्स. पर्स इज नाउन, यू नो ना, पर्स इज नाउन. ये क्या है, ये नाउन है. और आप देख रहे हो कि नाउन के पहले हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज करेंगे ना बेटा, पी. पी इज कॉन्सोनेंट, सो वी विल यूज हियर ए. इज दैट क्लियर? ही इज वॉकिंग इन, सॉरी ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग इन. अब यहाँ पर डैश है यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ नाउन. यूनिवर्सिटी के पहले हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल. तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पर, ए या एन. आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यू इज वॉवल, सो वी विल यूज इट हियर एंड. नो 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 नो, वी हैव टू यूज ए. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट डोंट वरी. मैं आपको बताती हूँ आप कैसे समझोगे, ठीक है. देखो, जैसे कि आपके वॉवल्स कितने होते हैं, वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. इज दैट क्लियर? दीज आर वॉवल्स, ठीक है. अभी आपके वॉवल्स से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे मैं आपको यू का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है. यू से होता है यूनिटी, ठीक है. और क्या होता है, अम्ब्रेला. इज दैट क्लियर? और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में राइट किया था यूनिवर्सिटी. इट्स ओके. अब ये तीन वर्ड्स हैं, आप तीनों वर्ड्स में देखो यू से तीनों वर्ड स्टार्ट होते हैं, ठीक है. यू यू यू, आप इसको क्या पढ़ोगे, यूनिटी. ये यू से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला जो आपका यू है इसमें स्टार्ट हो रहा है अम्ब्रेला. आपने देखा ये वाला जो सेकेंड वाला जो वर्ड है ना अम्ब्रेला, उसका जो प्रोनंसिएशन है ये किससे हो रहा है, वॉवल साउंड से. आप नोटिस कर रहे हो इसको, वॉवल साउंड, एंड दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड. इज दैट क्लियर? थर्ड वन इज दैट यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, तो आप देखोगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंस में जितने वर्ड्स दिए गए होंगे ना, वो वॉवल से स्टार्ट हो सकते हैं, मे बी ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से. बट आपको सिर्फ वॉवल्स नहीं देखना है, साथ में साथ आपको प्रोनंसिएशन भी देखनी है, ठीक है. उसकी प्रोनंसिएशन कैसी है, प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि दैट इज कॉन्सोनेंट और वॉवल. इज दैट क्लियर? तो आप देखोगे यूनिटी, तो यूनिटी के आगे हम क्या यूज करेंगे, यूनिटी से पहले हम यूज करेंगे अ यूनिटी. इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर उसका प्रोनंसिएशन है किससे है, कॉन्सोनेंट से है. किससे है, कॉन्सोनेंट से. और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आप इसको पढ़ोगे ना अ से, देन अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एन अम्ब्रेला. एंड नेक्स्ट वन इज दैट यूनिवर्सिटी, देन हियर वी विल ऑल्सो यूज आर्टिकल ए. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस फिल विद ए और एन. इट्स ओके, हमें क्या फिल करना है, ए या एन का यूज करना है इसमें. फर्स्ट वन इज दैट ही इज एस डी ओ. आप सोच रहे होगे कि एस इज, एस क्या है, आप बताओ, एस इज कॉन्सोनेंट ना. बट यू नो वॉट, जब आप आर्टिकल फील करोगे ना, आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट या वॉवल नहीं देखना है, इट्स ओके, आपको उसका प्रोनंसिएशन देखना है कि उसका प्रोनंसिएशन क्या होता है. आप इसका प्रोनंसिएशन देखोगे कि एस, मैं आपको ऐसे लिख के दिखाती हूँ, ऐसे लिखेंगे इसको एस डी ओ, ठीक है. तो ये प्रोनंसिएशन आपका किससे हो रहा है बेटा, ए से, मीन्स ए इज वॉवल है ना. प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट दिस इज द कॉन्सोनेंट, बट अकॉर्डिंग टू प्रोनंसिएशन इट इज
vowel. So we will use here an as do. Is that clear? Second one is that Rama is dash honest person. Honest word में, our word में, air word में क्या होता है? H word always silent होता है. हम इसको पढ़ते हैं honest. क्या पढ़ते हैं? Honest. तो honest आप इसको पढ़ोगे ना, मैं यहाँ पर write करके दिखाती हूँ. Honest. इसको क्या पढ़ोगे आप? Honest. A pronunciation start with a vowel sound. So we will write here an. I hope it will be clear. Students, don't forget to like my video and subscribe my channel. Okay. Third one is that Sachi. Sachi is dash NCC officer. अब आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया है. If you have idea about articles, then you can solve it now. And we will pronounce it NCC. Then A is also a vowel sound. So we will always use here an. Next one is that he. He is dash air. आप इसको क्या pronounce करोगे? Air. Then H is silent here. So I will use an. Okay. He is an heir to the throne. वह अपने राज्य का क्या है? शासक है. एक शासक है. Next one is that we registered. We registered as FIR. FIR. And students, if you have idea about what is the full form of FIR, then please comment me. Okay. We registered dash FIR. An FIR. आप इसको जब pronounce करोगे ना, F बोलोगे. F. And first word is that vowel sound. So I have to use here an. Next one is that I am MLA. आप समझ गए होंगे अब तक. M. M से स्टार्ट करोगे इसको. M को भी क्या पढ़ोगे? M. We will use here an. In the last, I will going to explain you that. Now I will explain you about vowel and consonants. Is that clear? आपने अभी तक ये जाना है कि जहाँ पर A, E, I, O, U का यूज होता है, वहाँ हम क्या यूज करते हैं? An. है ना? और बाकी वॉवल्स को लैप्ट करके जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट बचते हैं उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? अ. बट नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि एम, एम, एस, दीज आर कॉन्सोनेंट. दीज आर कॉन्सोनेंट. बट अकॉर्डिंग टू प्रोनंसिएशन, अकॉर्डिंग टू प्रोनंसिएशन, दीज आर वॉवल्स. है ना? वॉवल्स है ना ये, क्योंकि आप इसको जब पढ़ोगे एम, तो आप इसको प्रोनाउंस किससे करोगे? ए से. एंड ए इज वॉवल. सो वी हैव टू यूज ऑफ एन. इट्स ओके. अनदर एग्जांपल इज यूजफुल बुक. आप इसने आपने देखा इसमें कि यू, यू इज वॉवल, बट आप इसको प्रोनाउंस करोगे यूजफुल. तो ये प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? वाई से. अगर इसको ट्रांसलेट करोगे तो वाई होगा ना, देन वाई इज कॉन्सोनेंट. सो वी हैव टू यूज हियर अ यूजफुल बुक. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज दैट यूनिफॉर्म. आप इसको प्रोनाउंस करोगे सेम वे में, यूनिफॉर्म. तो ये भी प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? फर्स्ट वर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, सो विल यूज अ. इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन प्लीज कॉमेंट मी इन माई वीडियो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ द. यूज ऑफ द. द का यूज हम कब करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ए और एन का यूज हम तब करते हैं जब किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी नाउन की जो आइडेंटिटी होती है वो नॉट नोविंग होती है. आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, बस आपको पता होता है कि हाँ उसने एक गीत गाया, उसके पास एक चेयर है, उसके पास एक एप्पल है. एन एप्पल, अ चेयर, अ पर्स एंड ऑल दैट. आप इसके बारे में सिर्फ जानते हो ना. आपको इतना तो पता नहीं है कि उस वस्तु के बारे में आप डेफिनेटली नहीं जानते कि वो क्या है. जैसे आपने उस वीडियो में लास्ट मेरे क्वेश्चन में देखा था कि उसने एक गीत गाया, तो सिर्फ एक गीत गाया, आपको ये पता है उसने कैसा गीत गाया आपको ये नहीं पता है. तो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो इनडेफिनेट थी. बट यूज ऑफ द में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो डेफिनेटली नोविंग होती है, आप उसके बारे में जानते हो. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वॉट इज द डेफिनेट आइडेंटिटी.
एंड वॉट इज़ द नॉट नोविंग आइडेंटिटी. मैंने आपको भी बताया कि ए या एन का यूज हम कब करते हैं, जब आइडेंटिटी हमारी नॉट नोविंग होती है, और जब आइडेंटिटी को हम डेफिनेटली जानते हैं तो वहाँ पर द का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? देन थ्रू दिस एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ए और एन का यूज के बीच में डिफरेंस समझ सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई फाउंड डैश बैग, तो मुझे क्या मिला? एक बैग मिला. ठीक है, हमने सिर्फ इतना जाना कि मुझे एक बैग मिला. वो बैग कैसा है, उसमें क्या है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आगे आप देखोगे आई फाउंड अ बैग फुल स्टॉप, फिर द बैग कंटेन्स अ क्वाइन. और उस बैग में क्या है? उस बैग में कंटेन है एक क्वाइन है, मतलब उस बैग में एक सिक्का है. अब इस बैग की एक आइडेंटिटी हुई कि उस बैग में क्या है? सिक्का है. अब इसकी एक कुछ पहचान हुई ना, कुछ विशेषता हुई, मीन्स स्पेशलिटी हुई. तो जहाँ पे कुछ स्पेशलिटी हो वहाँ पे उसकी कुछ आइडेंटिटी हो, वहाँ पर द का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट सी ब्रॉट डैश सिल्क साड़ी. उसने क्या लाया? वह क्या लाई? वह एक सिल्क की साड़ी लाई. इज दैट क्लियर? डैश द साड़ी इज वेरी ब्यूटीफुल. कौन सी साड़ी ब्यूटीफुल है? जो साड़ी उसने लाई है. तो इसकी एक आइडेंटिटी हो गई कि वो साड़ी कैसी है? कॉस्टली है. ठीक है, सी बॉट अ साड़ी, सी ब्रॉट अ साड़ी, उसने एक साड़ी लाई. द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, वह साड़ी बहुत महंगी है. इज दैट क्लियर? द का यूज हम बहुत जगहों पर करते हैं. ठीक है, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने इन शॉर्ट आपको नीचे लिख के दिखाए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. फर्स्ट पॉइंट इज दैट बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडीज होते हैं, कुछ क्या जितने भी मीन्स पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, उसके पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल्स द का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? ही वॉज वाउंडेड इन द आर्म. उसे कहाँ चोट लगी है? वह कहाँ घायल हुआ था? उसे चोट, वाउंड मतलब चोट लगना, उसे चोट लगी थी कहाँ पर? आर्म में, उसके आर्म में. ठीक है, ए आर एम, आर्म्स मीन्स भुजाएं. तो यहाँ पे आप ए का यूज नहीं करोगे, इन एन आर्म नहीं करोगे. ठीक है, ना ए का ना एन का. बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी वी हैव टू यूज आर्टिकल द. इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया. नेक्स्ट वन इज दैट बिफोर प्रॉपर नाउन्स. कहीं कहीं पर जैसे प्रॉपर नाउन यूज होता है, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट क्या है? एक यूनिक चीज है, स्पेशल चीज है. इवन बिफोर टू स्पेशलिटी थिंग्स हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं. ठीक है, द गंगा रिवर, गंगा रिवर, द ताज, द हिंदूज. ठीक है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, उसके पहले भी आप क्या यूज करोगे? द क्रिश्चियंस. आपको यूज करना पड़ेगा आर्टिकल द का. ठीक है, द का प्रयोग हमेशा ना कुछ विशेष चीजें होती हैं, उनकी कुछ विशेष पहचान होती है, उसके आगे हम द का यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बिफोर नेशनैलिटी. कहीं राष्ट्रीयता की बात होती है, जैसे द इंग्लिश, द ब्रिटिशर्स, द इंडियंस, द जापानीज, तो आप किसका यूज करोगे? द का. इज दैट क्लियर? एंड लास्ट वन पॉइंट इज दैट बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स. एज आई हैव टोल्ड यू दैट बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज आर्टिकल द. सो देयर आर सम एग्जांपल्स, द सन, द मून, द अर्थ. इसके आगे आप क्या करोगे? आर्टिकल द का यूज करोगे. इज दैट क्लियर? इट मीन्स आप शॉर्ट में कह सकते हो कि कुछ हेवनली बॉडीज होती हैं. हेवनली बॉडीज मीन्स आप समझ सकते हो स्वर्गिक चीजें, जैसे कि जो हमारे लिए बहुत ही यूनिक होती है, जैसे सन, मून, स्टार्स, अर्थ, ये सारी चीज़ें. बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं ना जिसके पहले, मतलब जो यूनिक होते हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं, बट वहाँ हम द का यूज़ नहीं करते. इज दैट क्लियर? वो सारे कौन से वर्ड्स हैं आप वीडियो में देख पा रहे होंगे. हीवन, हेल. हीवन मीन्स स्वर्ग, हेल मीन्स नर्क. पार्लियामेंट. पार्लियामेंट भी ऐसा वर्ड है जिसके पहले आप द का यूज नहीं करोगे. इज दैट क्लियर? बिफोर रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स. कुछ धार्मिक वस्तुएं भी होती हैं, जैसे द रामायणा, द कुरान, द बाइबल. इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, उसके पहले भी आप क्या यूज करोगे? द का यूज करोगे. आई होप यू स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा. प्लीज़ आई हैव टोल्ड यू दैट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉमेंट्स मी. ओके, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.